जब डायलिसिस के बाद जो मरीज होते हैं बहुत सारे कंफ्यूजन होता है कि उन्हें खान पान क्या दें, तो डायलिसिस के बाद एक सवाल ये है कि डायलिसिस के बाद खान पान किस तरीके से रखा जाए ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। हाँ, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेशेंट जिनका क्रॉनिक किडनी डिजीज होता है उनका जो खान पान होता है डायलिसिस के ठीक पहले और डायलिसिस के बाद, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। जनरली CKD स्टेज 1 से 4 तक डायलिसिस की जरूरत नहीं होती क्योंकि किडनी का रेसिडुअल फंक्शन होता है और पेशेंट काफ़ी मतलब बेटर होते हैं। बट जैसे वो स्टेज 5 यानी GFR जब उनका कम हो जाता है तो उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। तो डायलिसिस के पहले और डायलिसिस के बाद खान पान में काफ़ी अंतर होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अंतर होता है प्रोटीन की मात्रा का सेवन। अगर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है, स्टेज 1 से 4 तक है, तो प्रोटीन कम सेवन करना चाहिए। प्रोटीन मीन्स दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एनिमल प्रोटीन एंड प्लांट प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन का सेवन बिल्कुल कम करना चाहिए क्योंकि ये जितने भी प्रोटीन है वो लीवर में डेफिनेटली मेटाबोलाइज होते हैं, बट जो उनका जो रियल जो एक्सक्रीशन होता है वो किडनी के थ्रू होता है। अगर किसी पेशेंट का किडनी कमज़ोर है तो ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ को लेने से शरीर के किडनी पे इसे इसके जो जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उसको निकालने का प्रेशर होता है, इसलिए हायर प्रोटीन हमेशा किडनी को डैमेज करते हैं। एंड ये स्पेशली तब और इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब पेशेंट CKD के श्रेणी में आते हैं, यानी उनका क्रिएटिन जब बढ़ा रहता है। तो ये डायलिसिस के पहले बहुत ज़रूरी है कि किडनी को सुरक्षित रखने के लिए प्रोटीन की मात्रा का सेवन कम करना चाहिए। नॉर्मली स्टेज 1 से 3 तक अगर देखते हैं तो प्रोटीन जो डायट्री एडवाइस है 0.8 से 1 ग्राम पर kg पर डे है। ये इसलिए है क्योंकि किडनी पे कॉम्प्रोमाइज किडनी पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। इवन हमारे जो नॉर्मल पॉपुलेशन है 40 इयर्स के बाद और डायबिटिक और हाइपरटेंसिव है, जिनके स्टोन की टेंडेंसी है, फैमिली में किडनी की बीमारी है, उन्हें भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जानना है कि प्रोटीन के सेवन, ज़्यादा प्रोटीन के सेवन से किडनी को नुकसान पहुँचती है। इसलिए नॉनवेज और स्पेशली रेड मीट को कम रखना चाहिए या 40 इयर्स के बाद बिल्कुल ही कम कर देना चाहिए। बट ये जस्ट रिवर्स हो जाता है अगर पेशेंट डायलिसिस पे आते हैं। एक्चुअली डायलिसिस के प्रोसेस के दौरान ब्लड प्यूरिफाइड होता है और इस प्यूरिफिकेशन के दौरान शरीर से एक्स्ट्रा पानी और इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व बाहर निकल जाते हैं और शरीर में एक तरह से प्रोटीन की कमी हो जाती है। अगर उनको प्रोटीन की मात्रा पूरी अच्छी तरह से सेवन नहीं करें तब उनकी शरीर कमज़ोर हो जाएंगे। तो डायलिसिस के बाद हम लोग हायर प्रोटीन को हायर साइड में रखते हैं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है और वो कंटिन्यू डायलिसिस के दौरान एग्जिट होती है। तो डायलिसिस जो पेशेंट डायलिसिस पे उन्हें हायर प्रोटीन डाइट की ज़रूरत होती है। डायलिसिस पे जो पेशेंट होते हैं उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट 1.3 से 1.4 ग्राम पर kg पर डे की ज़रूरत होती है। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन्हें एटलीस्ट फिश और अंडा जो होता है, अंडा का जो वाइट वाला पोर्शन होता है वो डेली कंज्यूम करने की आवश्यकता है। ये बॉडी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। एंड इन सब के साथ साथ जो डायलिसिस में फिर भी एक जो रिस्ट्रिक्शन जो दोनों में सेम है, डायलिसिस के पहले या डायलिसिस के बाद, पानी की मात्रा हमेशा रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए किडनी, क्योंकि किडनी एक ऐसा सोर्स है, ऑर्गन है जो शरीर से एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालता है। तो जिन पेशेंट का किडनी फेल होता है चाहे वो डायलिसिस पे नहीं हो, उनमें भी अगर सूजन इस तरह के हैं तो फ्लूड को रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है और डायलिसिस के बाद भी ये नियम लागू रहता है। एंड जो थर्ड जो समानता है नमक की मात्रा, वो चाहे डायलिसिस के पहले हो या डायलिसिस के बाद हो, नमक की मात्रा हमेशा कम रखना चाहिए। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आंसर है कि डायलिसिस के पहले प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए क्योंकि कॉम्प्रोमाइज किडनी को हमें प्रिजर्व करके रखना है, और डायलिसिस के बाद प्रोटीन की इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि बॉडी को रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा के रखनी है। थैंक यू। जैसा कि आपने एक ये बात बताया कि प्रोटीन कम लेना है किडनी, जैसे डायलिसिस हो रहा है तो किडनी पे असर ना पड़े इसके लिए प्रोटीन की मात्रा कम रखनी है, तो इसमें एनिमल प्रोटीन में एक दूध और पनीर कुछ ज़्यादा ही लोग खाते हैं, तो इसमें वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं? अगर डायलिसिस के पेशेंट की बात करें तो उसमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा के रखना है क्योंकि उन्हें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। और डायलिसिस में जो प्रोटीन जो होती है वो दो तरह की होती है, एनिमल प्रोटीन एंड प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन जो बेसिकली हम लोग सोयाबीन होते हैं, और एनिमल प्रोटीन में चाहे वो नॉन वेज हो दूध हो, तो ये इनकी मात्रा को बढ़ा के रखना होता है। एक जो स्पेशल कंडीशन होता है जो कि डायलिसिस पेशेंट में कॉमन है कि फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है,
तो फास्फोरस की मात्रा बढ़ने से काफ़ी कमजोरी आ सकती है या इचिंग की प्रॉब्लम होती है, हड्डी कमजोर होते हैं, तो उस कंडीशन में डायलिसिस के पेशेंट में भी बोलते हैं कि जो हाई प्रोटीन डाइट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रखना है, अदरवाइज हम लोग नहीं बोलते हैं। और नॉर्मली ये जो दूध एंड पनीर होते हैं ये नॉर्मल पेशेंट और इवन मतलब कि जिनका सीकेडी क्रिएटिन बढ़ा रहता है उन भी ले सकते हैं, बट फास्फोरस के लेवल को चेक करना होता है, अगर हायर फास्फोरस होता है तो फिर इसकी रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत होती है।